उदा देवी की प्रपोत्री राजेश्वरी देवी जी को प्रथम पुण्यतिथि पर सत सत नमन। राजेश्वरी देवी जी ने विगत वर्ष 3 जुलाई 2020 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। 36 अंग्रेजों को मौत के घाट 16 नवंबर 1857 को उतारने वाली और अपने प्राणों की आहुति देने वाली वीरांगना उदा देवी की प्रपोत्री है राजेश्वरी देवी जी, जिन्होंने अपने जीवन में लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पासी जागृत मंडल की विगत कई वर्षों तक अध्यक्षा रही हैं। विगत वर्ष 30 जून को जब वीरांगना उदा देवी की मूर्ति का स्थापना दिवस समारोह चल रहा था, उस वक्त ये राजेश्वरी देवी जी अस्पताल में मौजूद थी और अस्पताल से उन्होंने हमारे क्रांति पद न्यूज चैनल पर एक संदेश भिजवाया था और उनका संदेश का लबोलुआब ये था कि अगर वो जिंदा न रहे तो उनके कारवां को कतई रुकने न दिया जाए। उनके बेटे कमल कुमार उस कारवां को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इस साल भी 30 जून 2021 को वीरांगना उदा देवी की मूर्ति पर माल्यार्पण का और पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ। वीरांगना उदा देवी की प्रपोती राजेश्वरी देवी का पूरा समाज ऋणी है। उन्होंने लगातार सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और पारसी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और यही नहीं, उन्होंने वीरांगना उदा देवी की स्मृतियों को संजोए रखा। उनके पिता यानी राजेश्वरी देवी जी के पिता राम सहाय जी एमएलसी रहे और पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सहयोगी रहे हैं। एक क्रांतिकारी परिवार है, इस क्रांतिकारी परिवार की वीरांगना ही कह सकते हैं, महान योद्धा कह सकते हैं। राजेश्वरी देवी जी का निधन पूरे समाज के लिए एक अपूर्णनीय क्षति रही है। उनकी स्मृतियां शेष है, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व शेष है, उससे पूरा समाज प्रेरणा लेता है। आज के इस अवसर पर हमारे चैनल पर तमाम लोगों ने राजेश्वरी देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मैसेज भेजा है। हमारे स्थानीय सांसद मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर, स्थानीय विधायक अमरीश सिंह पुष्कर, पासी राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत, पासी जागृत मंडल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के महामंत्री रामकृपाल जी, सामाजिक चेतना महासभा के रामफेर निराला, मैत्री बुद्ध विहार मुजफ्फरनगर भिसौल से बाबू रामदास और भंते रत्नेश जी, राष्ट्रीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर ए प्रसाद जी, श्रीमती सुनीता रावत जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जनसेवा समिति के विश्राम राज पासी जी, ग्राम देती खेड़ा के प्रधान श्रीमती शिवकुमारी अम्बेडकर और उनके पति खेड़ालाल साठी जी, इन तमाम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, सत सत नमन किया है आज की तारीख में परम श्रद्धेय राजेश्वरी देवी जी को। साथियों, क्रांति पथ न्यूज को और यूपी राजधानी न्यूज को जब तक राजेश्वरी देवी जी जिंदा रहे उनका परम स्नेह हमें प्राप्त होता रहा। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उन्हें आज के दिन निश्चित रूप से श्रद्धांजलि दें। हम एक बात कहते हुए पूरे दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि राजेश्वरी देवी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लें, संभव हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, जैसा वो चाहती थी, जैसा हम चाहते हैं, जैसा समाज के लोग चाहते हैं। क्रांति पथ न्यूज और यूपी राजधानी न्यूज दो ऐसे चैनल हैं जो समाज की हर समस्या को हर कार्यक्रम को कवरेज करते हैं। ये तो हम नहीं कह सकते कि हमारे ये चैनल किसी जाति विशेष के चैनल हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि पारसी समाज के, दलित समाज के, बहुजनों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के किसी भी कार्यक्रम को कवरेज करने में हमने कोई कोताही नहीं बरती है। यूट्यूब पे जाएं, क्रांति पथ न्यूज और यूपी राजधानी न्यूज दो ऐसे चैनल हैं जिनको सर्च करें, सर्च करके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे दोनों चैनलों की ओर से। मैं स्वयं मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता बसंत लाल रावत की ओर से, यूपी राजधानी न्यूज के संपादक डायरेक्टर केशवराम गौतम की ओर से, सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष रामब्रज रावत जी, राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, अखिल भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएफ आर ए प्रसाद जी जैसे तमाम सामाजिक संगठनों ने वीरांगना उदा देवी की प्रपोत्री राजेश्वरी देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर राजेश्वरी देवी जी को नमन किया है और संदेशा हमारे क्रांति पथ न्यूज पर भेजा है। सबकी ओर से एक बार फिर राजेश्वरी देवी जी को सत सत नमन है, वंदन है और उनके कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि।